हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स, जो एरर्स आती हैं एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम में। एरर्स हम करेंगे आज कवर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स करेंगे जिनमें हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं वो वाली, ठीक है। ईजी वाली नहीं करेंगे हम, मैं 25, 30 या 50 जितनी भी करूँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ही होंगी सारी की सारी हैं, जो आप जिन पे कन्फ्यूज होते होंगे आप पे आती नहीं होंगी, ठीक है। जिन पे मैं भी खुद ही लगता हूँ, ऐसा नहीं कह सकता कि आप पे नहीं आती, यहाँ पे शायद आती हूँ, लेकिन जिन पे मैं खुद ही लगता हूँ वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एरर है हमारा, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इसमें एरर हमको देखनी कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। व्हेन शैल वी अराइव, व्हेन शैल बी, यानी कि अब क्वेश्चन मार्क लग रहा है एंड में, तो ये व्हेन सही है, शैल सही है, बी सब्जेक्ट है ये, ठीक है। अराइव, ओके कोई बात नहीं, पहुंचना, टू आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे गड़बड़ है, टू आवर डेस्टिनेशन, अराइव के साथ एक तो आता है टू, अराइव के साथ एक तो आता है टू, एक आता है एट, ठीक है। अब कहाँ कहाँ टू, सॉरी अराइव टू नहीं आता, इन आता है, अराइव इन और अराइव एट, ठीक है। अराइव इन कहाँ आता है, अराइव इन लगता है जब आप किसी देश में जा रहे हो, जैसे आई एम, जैसे क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री इज अराइविंग इन अमेरिका, या फिर यूएस प्रेसिडेंट अराइविंग इन इंडिया, ठीक है। तो इन जब आप किसी देश में अराइव कर रहे हो, पहुंचने वाले हो तब, और अराइव एट किसी, आप किसी प्लेस पे या किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो अराइव एट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अराइव इन नहीं आएगा, ना टू आएगा, यहाँ पे आएगा अराइव एट, ठीक है। गड़बड़ कौन से पार्ट में थी, थ्री पार्ट में, ठीक है। तो अब चलते हैं कोई मोस्ट इंपोर्टेंट देखते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, और सेक्शन ऑफिसर में, ऑडिट ऑफिसर में आया हुआ है। ए सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज, ठीक है। ये मतलब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको प्रीपोजिशन का यूज़ सिखाया गया है। देखो, ए सिटी ड्वेलर्स, सिटी ड्वेलर फाइंड, प्रेजेंट में सब कुछ सही है, एस लग गया, सब सिंगुलर है, ठीक है, पर के साथ एस लग गया। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कठिन या मुश्किल, टू पास अवे द टाइम, टाइम को पास करने के लिए, यानी समय गुजारने के लिए, उसने समय मतलब उसने सिटी ड्वेलर जो था, उसने गांव में, उस पर समय बहुत मुश्किल से गुजरा है, ठीक है। उसे बहुत कठिन लगा गांव में टाइम पास करना, ठीक है। तो टाइम पास करना यानी कि समय व्यतीत करना, ठीक है, अपना समय काटना, तो ठीक है, पास अवे नहीं आता है, ठीक है। केवल हम समय काटने के सेंस में अवे का यूज़ नहीं करते, केवल बोलते हैं टू पास द टाइम, ठीक है, टू पास द टाइम। तो एरर क्या थी, ये नहीं आना था यहाँ पे, एरर थी पार्ट टू में, ठीक है। ओके, अगले सेंटेंस पे चलते हैं अब। तो यहाँ पे दो सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं, आप उनको देख के बताएंगे क्या होता है, ठीक है। पहला है, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, ठीक है। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर द न्यूज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, जब कोई फ्रेजल वर्ब आती है, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू यहाँ पे दिए रखा है, उसके बाद जो जो आगे आने वाली वर्ब होगी वो जीरियंट के रूप में होगी, है ठीक है। और यहाँ पे, या फिर आप ऐसे इसको रट सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट एरर है ये कि हर एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में दिख जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर सेट में दिखेगी, लेकिन किसी ना किसी सेट में ज़रूर दिखेगी हर एग्ज़ाम में। क्यों दिखेगी, क्योंकि ये बहुत आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लुकिंग फॉरवर्ड आपको दे रखा होगा, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड आपको दे रखा होगा, उसमें आगे को टू भी आता है, ठीक है। टू कहीं टू नहीं दिया होता, लेकिन यहाँ टू लगाना होता, और यहाँ पे हियर की जगह हियरिंग हो जाएगा, आप रट लो। वरना कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब फ्रेजल वर्ब होती है, जब फ्रेजल वर्ब दी हुई है, तो उसके आगे आने वाले वर्ब आगे आगे जी नाउन चाहिए या जीरेंड चाहिए, ठीक है। तो हियर को हम नाउन कैसे बना सकते हैं, हियरिंग करके, ठीक है। ओके, ये थी इसमें एरर। और अगला है, द एक्ट्रेस बाय शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हर डॉग, ठीक है। यार इसमें क्या है, एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हर डॉग, सब चीज़ सही है, लेकिन इसमें प्रीपोजिशन की गलती है, क्योंकि शॉक्ड जो है ना, उसके साथ बाई नहीं आता, उसके साथ आता है एट, शॉक्ड एट समथिंग, किसी चीज़ से सरप्राइज होना, ठीक है, शॉक्ड एट। तो यहाँ बाई की जगह क्या आएगा, एट आएगा। ओके, तो यहाँ पे दो एरर्स ली गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर्स हैं, और मतलब इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आती बहुत है, और नीचे वाली भी भेज दो, काफ़ी सारी एरर्स आती है। ऊपर वाला है, आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, ठीक है। अब इसका थोड़ा अर्थ निकालो यार, थोड़ा अर्थ, हिंदी मीडियम वाले जो है ना, सबसे बेस्ट है मुझे लगता है, हिंदी मीडियम वाले एरर बहुत जल्दी निकालते हैं, क्योंकि उसका अर्थ निकालना चाहिए यार तुम लोगों को, आप लोगों को। मैं अर्थ निकालता हूँ डायरेक्ट पहले इस चीज़ का, आई नो, मैं जानता हूँ ए डॉक्टर, एक डॉक्टर को, ठीक है, एक डॉक्टर को यू आर रेफरिंग टू,
ठीक है, तुम जिसको तुम रेफर कर रहे हो, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ तुम जिसको रेफर कर रहे हो, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ तुम जिसको रेफर कर रहे हो, इसका कोई सेंस निकला? आप बोल सकते हैं मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ तुम जिसको रेफर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको, यानी कि कोई पर्टिकुलर डॉक्टर है जिसको वो रेफर कर रहा है, मैं जानता भी हूँ, तो पर्टिकुलर के से जब पर्टिकुलर का यूज़ हो रहा हो तो आर्टिकल एक जगह क्या आता है, आर्टिकल हमेशा द आता है, कोई पर्टिकुलर वस्तु या पर्सन के लिए, ठीक है, आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है, तो इसमें एरर थी दो में, ए नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला है द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम देखेंगे, यानी कि जो इंट्रोडक्शन होता है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों को अट्रैक्ट करता है। तो इंट्रोडक्शन देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन की वर्ब कहाँ है, इंट्रोडक्शन के लिए, और द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज यहाँ पे नहीं है, द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज यहाँ पे भी नहीं है, अट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन अट्रैक्ट करती है, इंट्रोडक्शन अट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन कैसा है ये बताइए आप मुझे, इंट्रोडक्शन इज सिंगुलर, देन वर्ब विल बी क्या, सिंगुलर, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस, ओके, अट्रैक्ट्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एस की कमी है, और ऐसी एरर बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा, एक नहीं बहुत ज़्यादा आती हैं, बस पे आपको कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगले पेज चलते हैं। चलो अब ये अगला भी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा इम्पोर्टेंट ही, तो इसको कर लेते हैं कवर। इट इज़ बेटर, ठीक है, टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इट इज़ बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज, आपको इसमें कहीं दिक्कत दिख रही है? देखो मुझे दिख रही है, कहाँ दिख रही है, एक कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, देखो यहाँ पे टू कीप दे रखा है, इट इज़ बेटर टू कीप, ठीक है, वंस हेड बेटर के बाद टू कीप दे रखा है, अब यहाँ पे देन, देन कहाँ, ये है बेटर देन, ठीक है, देन लूजिंग, यार यहाँ पे देखो, अगर बेटर के बाद यहाँ पे टू कीप दे रखा है और यहाँ पे देन के बाद लूजिंग दे रखा है, ये दोनों अलग है, यहाँ पे सेम कंडीशन होनी चाहिए इनकी, यहाँ पे टू कीप है तो यहाँ पे टू लूज होना चाहिए, या फिर यहाँ पे कीप होता, यहाँ पे कीपिंग होता तो यहाँ लूजिंग होता, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक ही जैसी वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटिव दे रखा है ना बेटर के बाद, तो ठीक है देन के बाद भी हम इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो टू लूज यहाँ होना चाहिए, ठीक है, ओके ओके, अगला चलते हैं। अगला है द स्टोरी, सॉरी, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स, ठीक है, अब आप इसमें एरर ढूंढिएगा कहाँ है, ठीक है, तो मैं बताऊँ, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन, ठीक है, अब यहाँ पे एक्सीड मानी बढ़ जाना, ठीक है, एक्सीड 200 वर्ड्स आप इसको बोल सकते हैं, या फिर शुड नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, यार ये सही नहीं लग रहा मुझे, यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, मैं सीधा जानता हूँ, ठीक है, हिंदी मीडियम वाला क्या सोचेगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी सोचेंगे इसको तो, लेकिन हिंदी मीडियम वाले अगर अर्थ निकाल लें वैसे भी, और थोड़ा दिमाग में कॉमन सेंस लगाए ना, तब भी आपको लगेगा यहाँ पे यार एक्सीड और मोर देन मुझे पच नहीं रहा, नहीं पच रहा तो सही नहीं पच रहा, क्योंकि एक्सीड और मोर देन एक साथ यूज़ नहीं होते, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है, एक्सीड का मतलब भी सेम होता है, मोर देन का मतलब भी सेम होता है, ठीक है, ओके, तो ये थी इसमें गड़बड़। अभी एक और मैंने पिछला सेंटेंस लिया था बेटर देन वाला, ये भी ले रहा हूँ, उसमें मैंने बताया था आपको, जैसे अगर इन्फिनिटिव हो तो इन्फिनिटिव लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक शर्त है, एक कंडीशन है, इसलिए मैंने ये ले लिया है, देखो ये टू डाई, ठीक है, तो इन्फिनिटिव मिल गया हमें, विद ऑनर इज़ बेटर देन लिव विद डिस ऑनर, ठीक है, अब आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, आप बोलेंगे कि आपने बोला था टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, तो बेटर देन, देन के बाद भी हमें इन्फिनिटिव चाहिए, यानी कि टू लिव ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटिव हम लगा सकते हैं, इन्फिनिटिव जरूरी है, लेकिन केवल वर्ब दे रखी हो ना देन के बाद, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे लिविंग होता तो ये गलत हो जाता है, बिल्कुल वर्ब से काम यहाँ चल सकता है, ओनली वर्ब से, ठीक है, तो ये बात का आप ख्याल रखें, ठीक है, तो लिव यहाँ पे ठीक है, इसमें नो एरर है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। अगला है इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, ठीक है, अब ऐसी गड़बड़ बहुत सारी आती हैं, इट इज़ आई हु इज़ नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, सब्जेक्ट आई है, आई की वर्ब क्या होती है, एम होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है, इसमें गड़बड़ कहाँ है, दो में, ठीक है। अगला जो है इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है, अगला क्या है, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, ठीक है, तो आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती, आप अर्थ फर्थ निकाल ही लेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, अब हमने देखा डिपेंड्स बिल्कुल सही है सक्सेस के हिसाब से, ऐसा आ गया यहाँ पे, नॉट ओनली, नॉट ओनली जैसे हमने देखा, तो ये बहुत ही ज़्यादा आने वाली एरर है, ये भी मतलब मैक्सिमम आती है, ये आने वाली एरर है, ये
ठीक है, आने वाली एरर्स में से एक है, स्टार लगा लेना आप अगर नहीं जानते हो। जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, जानते भी होगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत ईजी है। नॉट ओनली के बाद हमको दिखता है आगे कहीं ना कहीं बट आल्सो। तो देखो यहाँ पे वॉट पेपर यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन, यहाँ पे आल्सो नहीं है, तो यहाँ पे आल्सो हमें लगाना पड़ेगा। तो गड़बड़ कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, यहाँ पे बट आल्सो आएगा। तो अगला सेंटेंस है, इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड टिकट एंड हैव टू पे फाइन, नो एरर। ठीक है, इसमें एरर कहाँ पे है? द मोटर्स डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड। ठीक है, इफ वाला, इसमें क्लाउज वाला सब कुछ सही है, बिल आया यहाँ पे। ठीक है, दे विल बी स्टॉप्ड। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, टिकट एंड हैव टू पे ए फाइन। ठीक है यार, यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहा है। पहले तो वर्ब आ रही है आपकी ED थर्ड फॉर्म में, ठीक है, और अचानक से आपकी यहाँ पे क्या आ गया, फाइन, इनकी ये प्रेजेंट वाली वर्ब आ गई, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है यार। इतनी सारी वर्ब आपको दिख रही है, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगी, यहाँ होगा फाइन की जगह फाइंड। ठीक है, फाइंड, ठीक है, FINED। ओके, अगले पे चलते हैं। ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। उसने पूछा कि अगर वह फेल हो जाओ तो क्या करे। ठीक है, सपोजिंग इफ है, ठीक है, तो सपोजिंग ही आस्क्ड, ठीक है, सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अब यहाँ पे, क्या आएगा? तो कोई इसमें गड़बड़ दो में पूरे में ही है। सपोजिंग उसने पूछा, मतलब उसने, ये इमेजिनेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो सपोजिंग इफ नहीं दैट आएगा, सपोज दैट, ठीक है, कहते हैं ना सपोज दैट, सपोज इफ नहीं बोलता है कोई, बोलते ना सपोज दैट कल वो हो जाए, ठीक है, ऐसा करके दैट बोलते हैं ना, तो आपको ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। सपोज यहाँ पे दैट आएगा, इफ ही फेल्ड, फेल्स नहीं आएगा या फेल्ड आएगा, ठीक है, इमेजिनेशन है तो इसमें प्रेजेंट नहीं लगेगा, पास्ट लगेगा। ठीक है, व्हाट वुड ही डू, ठीक है, इफ ही फेल्ड व्हाट वुड ही डू। ओके, जब वो फेल हो जाए तो वो क्या करे। ठीक है, ओके, तो देखते हैं एक आध और कोई अच्छा हो तो। वी हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, ये आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, आप इसमें निकालिए क्या एरर है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो बी हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं है, टू फाइंड द हाउस, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है। क्यों? डिफिकल्टी किस में? हाउस फाइंड करने में, ठीक है, और यहाँ पे डिफिकल्टी दे रखा है। देखो यहाँ वर्ब पहले से है, उसके बाद फिर वर्ब आ गई, लेकिन यहाँ पे वर्ब ऐसे थोड़ी ना देगी डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? जीरेंड का यूज़ करना चाहिए हमें, मतलब क्लियर बात है यार, जीरेंड चाहिए, यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ आगे जीरेंड चाहिए, तो फाइंडिंग होगा, ठीक है, और डिफिकल्टी इन, किस चीज़ में डिफिकल्टी हुई, इन, यहाँ टू नहीं आएगा, इन, तो यहाँ आएगा डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। ठीक है, इन यहाँ पे लग जाएगा ING, ठीक है, यहाँ पे टू की जगह क्या आ जाएगा, इन, ठीक है, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है, 13 मिनट की है, बहुत ही कम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।